अगली खबर आ रही है भोपाल से, जहां हबीबगंज इलाके के 12 नंबर के पास निर्माणाधीन मल्टी में युवक की दो मजदूरों ने हत्या की थी। युवक शराब के नशे में मजदूरों के पास जाकर हर रोज रंगबाजी दिखाता था। रविवार को इसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मजदूरों ने लकड़ी की बल्ली से उस पर हमला कर दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध मजदूरों से पूछताछ की। इनमें दो ने युवक की हत्या करना कबूल लिया। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हबीबगंज थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया ने बताया कि इंदिरा नगर सहपुरा निवासी 25 वर्षीय राहुल पिपलोदे उर्फ कल्ला 12 नंबर पर निर्माणाधीन मल्टी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। हाल ही में उसने नौकरी छोड़ दी थी। इसके बावजूद मल्टी में उसका आना जाना था। वह अक्सर निर्माणाधीन मल्टी के गेट पर स्थित मंदिर में बैठकर श्रमिकों पर रौब दिखाता था। रविवार को भी वह दोपहर में पहुंचा। वहां उसने मजदूरों से गाली गलौज की। इसके बाद समझाने पर चला गया। शाम को वापस फिर आया और मजदूरों से गाली गलौज करने लगा। इसका काम कर रहे मजदूर सोनी विश्वकर्मा नफीस ने विरोध किया। इस पर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने लकड़ी की बल्ली से कल्ला पर हमला कर दिया। खून से लथपथ हालत में कल्ला जमीन पर गिर पड़ा। यह देख दोनों मजदूर भाग निकले। थोड़ी देर बाद अन्य मजदूरों ने पुलिस को सूचना दी कि कल्ला खून में लथपथ निर्माणाधीन मल्टी में पड़ा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कल्ला को मृत अवस्था में पाया। कल्ला के सिर में चोट लगी थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कल्ला का निर्माणाधीन मल्टी में काम करने वाले कुछ मजदूरों से पहले से विवाद चल रहा था। इसी वजह से उसने गार्ड की नौकरी छोड़ दी थी। पुलिस ने कल्ला की हत्या के मामले में मजदूरों से जानकारी जुटाई, सभी से पूछताछ की। पता चला कि सोनी विश्वकर्मा नफीस ने हत्या की है।